खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फटे पुराने कपड़े और न जाने घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजों को हम अक्सर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि न तो वो हमारे काम की होती हैं और न ही दूसरों के। लेकिन जो चीजें हमारे लिए वेस्ट होती हैं, वो विनीश कुमार के लिए कीमती होती हैं। डॉक्टर विनीश देसाई, जिन्हें इंडिया में रिसाइकल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये वो शख्स हैं जो वेस्ट से इको फ्रेंडली ईंटें बनाने के अपने हुनर से जाने जाते हैं। भारत में करीब 43,000 इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें हर रोज करीब 19,000 टन कचरा प्रोड्यूस होता है, जिसमें से कुछ काम का होता है तो कुछ यूं ही नदियों में बहा दिया जाता है, जो न केवल प्रदूषण तो फैलाता है ही, बल्कि घातक बीमारियों को भी जन्म देता है। डॉक्टर विनीश कुमार को इको फ्रेंडली ईंटें बनाने का आइडिया तब आया जब वो एक दिन अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके जूते पर च्युइंगम चिपक गई है, जिसे उन्होंने पेपर की मदद से उतार कर अलग करके रख दिया। जब कुछ देर बाद उस पेपर को उठाकर डस्टबिन में डालने गए, तो उन्होंने देखा कि पेपर और च्युइंगम सूखकर काफी ठोस हो गए थे। उसके बाद घर जाकर उन्होंने इस चीज को फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने पेपर और गम के साथ कुछ और चीजें भी उसमें मिलाई और वो और ठोस हो गई। बस तभी से उनको वेस्ट से इको फ्रेंडली ईंटें बनाने का आइडिया सूझ गया, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2016 में अपनी लैब से और वेस्ट का उपयोग करने लगे। आपको बता दें, विमेश देसाई ने एनवायरमेंट साइंस में पीएचडी भी की हुई है। विमेश अपने इको फ्रेंडली उत्पादों में टेक्सटाइल वेस्ट और मेटल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये ईंटें आखिरकार बनती कैसे हैं। सबसे पहले कचरे को बाइंडर के साथ मिक्स करके उसमें च्युइंगम को मिलाकर उस मिश्रण को 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसे ईंट के आकार के एक मोल्ड में डालकर उसे ईंट का आकार देकर उसे सुखा देते हैं, जिसके सूखने के बाद ईंटें तैयार हो जाती हैं। ये इको फ्रेंडली ईंटें न केवल रोड बनाने में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि टॉयलेट, घर और स्कूल के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनकी कीमत आम मिट्टी की ईंटों से आधी तो होती है ही, बल्कि ये 80 सालों तक चलती हैं। और अगर मजबूती की बात करें तो ये ईंटें आम ईंटों से कई गुना मजबूत होती हैं। इतना ही नहीं, विनीश कुमार रूरल महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनको रोजगार देने के लिए विनीश कुमार ने एक इको लाइट स्टूडियो भी चला रखा है, जिसमें ये महिलाएं वेस्ट से घड़ी, लाइट और लैंप आदि तैयार कर, या यूं कहे तो घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी सामग्री उससे बनाती हैं। प्रकृति के प्रति विनीश का जुनून पिछले 2 सालों में अब तक 800 टन से ज्यादा वेस्ट को रिसाइकल कर चुका है। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।